और ये 3 इंच वाली लड़की, सॉरी चार. थैंक्स फॉर स्पॉन्सरिंग अस. आई एम रियली मिसिंग देम. थोड़ा इमोशनल ना, इमोशनल अच्छा ना, इमोशनल नहीं हो सकती. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. और मैं फ़िलहाल अभी रेडी हो चुकी हूँ कॉलेज जाने के लिए. अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, तो आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या खा रही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. पहले सब ऑफिस सब आते हैं, सत्तू पानी पी रही हूँ. ये है सत्तू पानी. फिर आंटी ने हमारे लिए बनाया चना, कुछ ड्रैगन फ्राई और 2 रोटी. मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करती हूँ, देन वी विल हेड टू आवर कॉलेज. आज पता नहीं कौन सा लेक्चर है, लेट्स सी आज क्या क्या होता है. इट्स ऑलमोस्ट 9:15, सो आई एम रेडी टू गो एंड नाउ आई विल टेक माय आईडी कार्ड एंड माय बैग एंड देन वी विल हेड टू आवर कॉलेज. सो या लेट्स गो. कितना, 4-5 कैमरा? हाँ देखो ना. अरे ये रेनकोट वाला जूता, एक में तो ये सस्ता वाला जूता, सस्ता वाला बहुत बढ़िया है, सस्ता वाला. और ये 3 इंच का हील अच्छा से दिखाओ यार. और ये 3 इंच वाली लड़की, सॉरी 4 फुट वाली लड़की. 4 फुट का लड़की, 2-3 इंच का, 3 फीट का हील. फीट नहीं रहे, इंच होता है. सेम टू सेम, जस्ट बातों को समझो, बातों को नहीं. Thanks for sponsoring us, Dada. Happy birthday! So finally, मैं कॉलेज से रूट पहुँच गई और फिर से वही इंसिडेंट हुआ जब मैं कॉलेज के लिए निकली. उसी टाइम मेरा फिर से फ़ोन बंद हो गया, पता नहीं मेरा फ़ोन क्या हो रहा है. सो कोई नहीं, वापस से फिर से ऑन हो गया है, तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं. तो अभी मैं फटाफट लंच कर लेती हूँ. आज लंच में स्पेशल कुछ है, सो या मैं फटाफट लंच कर लेती हूँ, ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है. सो फुल आज हम बिरयानी खा रहे हैं. हमें ये बर्थडे ट्रीट एज अ बर्थडे ट्रीट मिला है, तो आज मस्त स्पेशल बिरयानी खाने को नसीब हुआ है लंच पे. वरना मैं हमेशा सब्जी, चावल, दाल, रोटी, यही सब में, मतलब ओनली वेज ऑप्शंस में मैं चल रही थी इतना दिन से. फाइनली ईस्टर, मतलब ऑलमोस्ट मैं 2 हफ्ते बाद चिकन खा रही हूँ. सो या टूट पड़ते हैं. मस्त मस्त मौसम हो रखा है गाइस, फिर से बारिश आने वाली है आज. हमेशा मैं रूम के अंदर रहती हूँ, तो सोचा थोड़ा बाहर निकलूँ, थोड़ा अच्छा मस्त ठंडा ठंडा हवा खा लूँ. वरना हमेशा तो रूम के अंदर ही रहना है. फिलहाल अभी शाम हो रहा है, इसके बाद भी रूम के अंदर ही मेरे को वापस जाना है. तो वही कपड़े लेने आई थी मैं, बारिश होने वाला है. एंड या अच्छा हाँ, मुझे याद आया. सो गाइस, मैं चेक कर रही थी, अराउंड इसी महीने में ही मैंने फर्स्ट व्लॉग शूट किया था, तो मैं वही चेक कर रही थी. सो ये जो आज का जो व्लॉग है, ये जो व्लॉग रहेगा, उसी दिन में मैं अपना पहला व्लॉग शूट किया था, लेकिन मैंने अपलोड May 1 में किया था. आज है 25 अप्रैल, जिस दिन मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग शूट किया था. और हाँ, हम लोग को 1 साल हो चुका है यूट्यूब पर आके, तो थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड लव, जिन्होंने मेरा ब्लॉग को इतना प्यार दिया और सपोर्ट दिया, और इतने सारे लाइक्स और कमेंट्स, जो प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिले हैं. एटलीस्ट वो जितने भी हैं, थोड़े से भी हैं, पर मेरे लिए बहुत काफ़ी है. और हाँ, ऐसे ही बने रहिएगा. हमारे चैनल में नए नए लोग जुड़ रहे हैं, तो आप लोग बने रहिएगा, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे. अभी मैं उतना भी ब्रो नहीं बनी हूँ, पर हाँ, कभी ना कभी एक अच्छा वीडियो बनेगा और बनते रहेगा. सो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा. थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड वेरी वेरी मच थैंक यू टू माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स, जो मुझे इस चीज़ के लिए बहुत सपोर्ट किए और यहाँ तक पहुँचाए. एटलीस्ट मतलब इतना करेज दिया मुझे कि मैं एक वीडियो बना सकती हूँ. मुझे ऐसा फील कराया कि हाँ, तुम में इतना है कि तुम वीडियो बना सकती हो और तुम मतलब व्लॉग कर सकती हो और लोगों को खुश कर सकती हो अपने वीडियो से. तो इसी तरह जुड़े रहिएगा मेरे चैनल पे. मैं कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए ला पाऊँ.
सो गाइस आई रियली नो मैं आप लोगों को बहुत बोर करती हूँ, मतलब सिर्फ रूम से किचन एंड कॉलेज. सो आई एम गोना थिंक अब ये चैलेंज लिया है कि अच्छे ब्लॉग्स लाना है, तो ऑब्वियस बात है कुछ अच्छा क्रिएट तो करना ही पड़ेगा. सो आई एम गोना थिंक अबाउट दिस और अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स मैं ज़रूर लेके आऊँगी. इट विल टेक टाइम बट वन डे आई विल गेट अ सक्सेस. प्रोग्रेस करना पड़ेगा वरना मुझे भी, मैं खुद आज सोच रही थी कुछ तो स्पाइस लाना चाहिए, मतलब इतना ऐसे में तो कुछ मज़ा नहीं आएगा वीडियो में. और वैसे बात है मैं आज नहीं बनाऊंगी सोची थी पर व्हेन आई थॉट कि आज दिन है मेरा, मतलब कि मैं आज फर्स्ट टाइम ब्लॉग की थी तो आज के लिए कर लेती हूँ. नेक्स्ट टाइम आई विल थिंक समथिंग न्यू, आई विल एक्सप्लोर बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट. तो मतलब क्या बोलते हैं, मैं सबसे जल्दी बात नहीं कर पाती हूँ. अगर मैं किसी को अच्छे से जानती हूँ तो हाँ हो जाता है बात, लेकिन अगर मैं किसी को नहीं जानती हूँ तो मेरे को बात करने में बहुत टाइम लगता है किसी से इंटरेक्ट करने में. सो आई एम लिटिल बिट शाय, तो बाहर वीडियोस बनाने में भी थोड़ा सा डरती हूँ कि कोई आना चाहेगा नहीं आना चाहेगा, फिर अगर मैं उनको ले आऊँ तो फिर उनको बुरा नहीं लगेगा. तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सटल रखती हूँ, मतलब आपके और मेरे बीच ज़्यादा इंटरेक्शन होता है. सो वही आई एम गोना थिंक समथिंग न्यू और अच्छा व्लॉग्स पक्का आएंगे, ज़रूर आएंगे. समटाइम्स आई फील सो डीमोटिवेटिंग कि मैंने पूरा मेरा डिनर लाया रखा खाते खाते सोची कि मैं क्या और अच्छा कर सकती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए. तो मैं यही सोचते खा रही अब मैं इतना अच्छा डिनर बनाई थी, मतलब इन्जॉय भी नहीं किया, जस्ट यही थिंकिंग में चली गई कि और क्या कर सकती हूँ बोल के. स्टिल स्ट्रेस कि हम क्या और कर सकते हैं अच्छा. और सो या दैट्स फॉर इट टुडे, आज का ब्लॉग को ये पेंड करते हैं और हम स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं फिलहाल. मतलब बहुत कुछ इतना, मतलब अकेला फील होता है यहाँ पे ऑलरेडी, मतलब कभी पहले से बाहर रहा नहीं है मैंने, तो ऑब्वियस बात है ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं बाहर रह रही हूँ. फैमिली का बहुत याद आता है, स्पेशली आई एम मिसिंग माई ब्रदर एंड सिस्टर, क्योंकि हम लोग अगर मैं कुछ भी अगर सैड रहती हूँ या फिर अकेला होता है फील होता है तो फिर बस अपने भाई के पास चल जाती हूँ खेलने के लिए या फिर मेरी बहन से बातें कर लेती हूँ. आई एम रियली मिसिंग देम एंड यहाँ थोड़ा इमोशनल है, तो इमोशनल अच्छा ना इमोशनल नहीं हो सकती. So I'm gonna end this vlog. I'm really missing them. So हम अगले vlog में मिलते हैं. फिलहाल कुछ plannings बन रहे हैं अपने इस bill, छोटे से bill से निकलने की और vlog बनाने की. Let's meet in another vlog. So that's it for today. Thanks for watching my vlog. And अगर आप लोगों को मेरा vlog पसंद आया हो तो please like, share, comment और subscribe करना ना भूलिएगा. And I will make sure कि अच्छा सा अच्छा vlog आए. I'm thinking about it. And yeah, मेरा exams आ रहा है तो I'm gonna study also. So ये भी एक task है कि दोनों चीज़ manage करना पड़ेगा. Thanks for watching. Bye bye.